स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत बढ़िया सा खतरनाक सा टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमर। इस टॉपिक के ऊपर नीट जेई में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है और वो क्वेश्चन बहुत लोअर लेवल का होता है, तो आपको सारे पॉलीमर बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को जिसका नाम है पॉलीमर। इसमें आपको पता चला कौन कौन से है पॉलीमर, किसको कहते हैं पॉलीमर, क्या है ये नेचुरल पॉलीमर, क्या है ये आर्टिफिशियल पॉलीमर, किसको कैसे है सिंथेटिक, ऐसे बहुत सारे सवालों के आंसर्स आपको आज के इस लेक्चर में मिलने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीमर। तो पॉलीमर में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के इस डे वन में। तो आप सबको पता है बच्चों, पॉलीमर किसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, आपने बचपन में पढ़ा होगा ये एक छोटा सा कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ ये एक इथिलीन है ना, इसका नाम है इथीन। इथीन है बच्चों, ये इथीन और इसी को हम कहते हैं इथिलीन। अब ये इथीन और इथिलीन है, अब इसके अगर इसको हमने हीट किया, हमें पता है डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, और टूटने की बारी आई तो पहले क्या टूटता है बच्चों, पाई। तो इसका भी क्या टूटेगा, पाई। और कैसे टूटेगा, होमोलिटिकली। होमोलिटिकली पाई टूटेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इधर गया। अब क्या होगा बच्चों, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, अब उस मॉलिक्यूल के भी पास, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर, और शेयरिंग करके इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम कहेंगे कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद और एक आएगा, अब वो भी अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, शेयर। तो ऐसे बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़ते जाएंगे, और बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़ने के बाद वहां पे कंपाउंड बनेगा जिसमें मेनी क्या रहेंगे, इथीन, है ना। तो इथीन नाम का ये पार्ट है, ऐसे मेनी क्या रहेंगे बच्चों, पार्ट्स। तो एक वर्ड है मेनी, मेनी के रिलेटेड कौन है, पॉली, और पार्ट्स के रिलेटेड एक वर्ड है क्या, मर। मर दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द पार्ट एंड मेनी मीन्स पॉली। तो इसीलिए मेनी पार्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वो बनेगा, और इसीलिए इसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो समझ गए बच्चों, अब इसका पॉलीमर कैसे रहेगा, ये CH2 और ये भी है बच्चों CH2, और इस CH2 के कितने पार्ट एक दूसरे को जुड़ गए, n पार्ट जुड़ गए, और इसीलिए हम उसको कहते हैं पॉलीमर। क्यों कहते हैं बच्चों पॉलीमर, डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेनी पार्ट्स एक दूसरे को यहाँ पे जुड़ गए, और इसीलिए इसको हम कहते हैं बच्चों पॉलीमर। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ये है इथीन और इसी को हम कहते हैं इथिलीन, और इथिलीन के जब कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे रे बच्चों, एन, तो जो बनेगा उसी का नाम है पॉलीइथीन, ठीक है। एक इथीन तो इथीन, दो इथीन तो डाइथीन, तीन इथीन तो ट्राइथीन, बहुत सारे इथीन, मेनी इथीन, मेनी इथीन, मेनी मतलब पॉली, तो इसको पॉलीथीन कहते हैं। अब आपको पता है पॉलीथीन, ये पॉलीइथीन है, लेकिन हम पैर से उसको कहते हैं पॉलीथीन, लोग तो उससे भी पैर से बोलते पन्नी, और क्या पैर से बोलते, पुड़का, प्लास्टिक, अरे काका नहीं बोलते हैं इसको, यही है वो पॉलीइथीन, और इसी को हम कहेंगे पॉलीइथिलीन। सो डोंट वरी बच्चों, चलते हैं आगे। तो दिस इज द पॉलीथीन, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलीमर क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट अभी आपके क्लियर में, दिमाग में आ गया, क्लियर हो गया। अब ये इथीन से बनता है, ये है उसका मोनोमर, एक पार्ट है उसका, उसको कहते हैं मोनोमर। तो इसीलिए अब पॉलीमर का अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, जो भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले पॉलीमर्स क्या है, व्हाट आर द पॉलीमर्स, पॉलीमर्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल, है भी अभी हमने देखा छोटे 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 कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, इसीलिए इट इज अ विच मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, और मैक्रो, उसी को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। एक कहते हैं मैक्रो जो बहुत छोटा और थोड़ा बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। सो इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज इसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सब यूनिट्स। अभी अभी हमने देखा है बहुत छोटे छोटे इथीन के सब यूनिट्स कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाया, पॉलीमर। द टर्म पॉलीमर इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, मेनी, मेनी पार्ट्स, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। क्या है, मेनी पार्ट्स मतलब क्या हो गया, पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर्स कैन बी फाउंड ऑल अराउंड अस,
हमारे डे टू डे लाइफ में आप जितनी भी चीजें देखते हो ना, मैक्सिमम काय की बनी होती है, अलग अलग पॉलीमर्स। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा हम यूज काय का करते हैं, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक काय का है, पॉलीमर, पॉलीथीन है। उसके साथ साथ हम कपड़े पहनते हैं, वो टेरिकॉट के कपड़े होते हैं, तो वो टेरिलिन भी कौन है, ये पॉलीमर है। उसके साथ साथ हमारे आजू बाजू में नायलॉन की रस्सियां हम यूज करते हैं, तो ये नायलॉन भी क्या है, एक पॉलीमर है। उसके साथ साथ हम एक्रिलिक का यूज करते हैं, एक्रिलिक भी एक क्या है बच्चों, पॉलीमर है। हमारे टेफ्लॉन का नाम सुनाऊंगा, गाड़ियों को कोटिंग करने के लिए, नॉनस्टिक कुकवेयर बनाने के लिए जो टेफ्लॉन यूज होता है, वो टेफ्लॉन भी कौन है बच्चों, पॉलीमर। या ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉलीमर्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है क्या, पॉलीमर्स कैन बी फाउंड ऑल अराउंड अस फ्रॉम द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये तो हो गए बाहर के पॉलीमर, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अभी लेटेस्ट यूनिट हमने बायोमॉलिक्यूल हमने कंप्लीट किया है। पॉलीमॉलिक्यूल में हमने देखा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़े, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, और उसने क्या बनाया, स्टार्च। और वो स्टार्च भी क्या है बच्चों, पॉलीमर। किसका पॉलीमर है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। उसी के साथ साथ हमने देखा बच्चों कि जब क्या हुआ, कौन कंबाइन हुए, अल्फा अमीनो एसिड्स। जब लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, तो उन्होंने बनाया प्रोटीन्स, तो प्रोटीन इज आल्सो पॉलीमर। हमने देखा न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हुए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना, और क्या बना, डीएनए एंड आरएनए, तो वो भी कौन हो गया बच्चों, पॉलीमर्स। तो ये जो है, ये डीएनए, हाँ ये फैक्ट्री में बनता क्या डीएनए, भाई हमको 10 डीएनए दे ऐसा बनते या नहीं, तो डीएनए ये नेचुरली ऑकरिंग है ना, ग्लूकोज ये नेचुरली ऑकरिंग है। उसके बाद स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये कैसा है, नेचुरली ऑकरिंग है। लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल लिया प्लास्टिक, वो किसी पेड़ को नहीं लगता प्लास्टिक, ठीक है, तो वो नेचुरल नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन ये पॉलीमर कहाँ से बना है, ये अगर नेचुरल सोर्स मतलब प्लांट या एनिमल से बना है तो इसको नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। लेकिन अगर वो हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं, उसमें नेचुरल कुछ भी नहीं है, तो हम उसको सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। लेकिन कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल पॉलीमर्स के ऊपर कुछ प्रोसेस करके हमें मिलते हैं, तो उसमें कुछ नेचुरल है और कुछ सिंथेटिक है, इसीलिए हम उसको कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमर, 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर, वन इज अ नेचुरल पॉलीमर, अनदर इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, एंड थर्ड वन इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। कितना टाइप का पॉलीमर है रे बच्चों, 3 टाइप, कौन सा, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। अब हम इन तीनों पॉलीमर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों, तो पॉलीमर, तो हमारा डीएनए भी क्या है, पॉलीमर है, ये बायो पॉलीमर है। हमारे बॉडी के अंदर जो पॉलीमर्स है, दीज आर कॉल्ड बायो पॉलीमर्स, एंड पॉलीप्रोपिलीन विच इज यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड एज अ प्लास्टिक। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, ये सब क्या होते हैं, प्लास्टिक के कंपोनेंट्स है। तो व्हाट इज पॉलीमर, ये तो समझ गए आप, इट इज द लार्ज मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो अभी अभी हमने देखा है कि ये जो पॉलीमर्स है, ये देखो ऐसे कुछ दिखेंगे पॉलीमर्स इस तरह से, डरना मत, आगे चलते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर्स अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है, द पॉलीमर्स मे बी नेचुरली फाउंड इन अ प्लांट्स एंड एनिमल। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमें, प्लांट्स में मिल सकते हैं, जैसे स्टार्च है, तो स्टार्च का है पॉलीमर है, किसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज का, तो वो हमें कहाँ पे मिल सकते हैं, नेचुरली फाउंड इन अ प्लांट्स, प्लांट्स में वो मिलते हैं, एंड एनिमल्स में मिलते हैं। जैसे एनिमल्स, जैसे हमारी बॉडी में डीएनए है, आरएनए है, उसके बाद प्रोटीन है, ये सब कौन है रे बच्चों, पॉलीमर्स है, तो हमारे एनिमल्स के अंदर भी पॉलीमर्स मिलते हैं। ये पॉलीमर्स कभी कभी नेचुरल सोर्स से बनते हैं, तो कभी कभी वो मैनमेड होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विच पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। डिफरेंट पॉलीमर्स हैव नंबर ऑफ यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे हैव यूज्ड इन अवर डे टू डे लाइफ। इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिनकी वजह से हम उनको डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमारे ये जो यूनिट है, इसमें हम हर एक पॉलीमर के पहले उसको कौन से टाइप का वो पॉलीमर है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके साथ साथ हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन से टाइप का है ये भी हम देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है उसकी, डे टू डे लाइफ में उसका कैसा यूज होता है, ये प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके साथ साथ
हम देखेंगे उनके मोनोमर्स और वो मोनोमर्स का कन्वर्शन किस तरह पॉलीमर में होता है, ये सारी चीजें हम हर एक पॉलीमर के बारे में देखेंगे। पॉलीमराइजेशन मतलब उसकी रिएक्शन कैसी है और उसका मॉलिक्यूलर मास कैसा है और उसके यूजेस कैसे हैं, ये हर एक पॉलीमर के बारे में हम ये 5 से 6 चीजें हर बार यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन है, पॉलीमर्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर द वन कैटेगरी। देखो पॉलीमर्स अलग अलग कैटेगरी पे डिवाइड किए गए, क्लासिफाई किए गए। पहला जो क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, सोर्स क्या है, नेचुरल है या घर पे बना है, सॉरी हमने बनाया, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उनको काय में डिवाइड किया गया, सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स। उसके बाद हमने देखा कि पॉलीमर की पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस क्या है। जैसे अभी अभी हमने रिएक्शन देखी, दो मोनोमर कंबाइन हुए और बस कंबाइन होकर तीसरा बना दिया, एक ही बन गया, उसमें कोई बाहर मॉलिक्यूल छोटा सा मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुआ। जब टू कंबाइन टू फॉर्म वन, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अगर दो कंबाइन हो रहे विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन क्या है, क्या है, उसके बेसिस पे भी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके साथ साथ जो पॉलीमर बना उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है कि ब्रांच है, उसके बेसिस पे भी उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो ऐसे लगभग 5 से 6 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स। तो हम जब एग्जांपल देखेंगे और हर एक पॉलीमर को स्टडी करेंगे, तो उसी समय हम बताएंगे कि ये किसका, कौन से टाइप के बेस है, किस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। तो हम उसी समय उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेंगे। सिर्फ एक क्लासिफिकेशन हम अभी पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। तो सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड ओनली वन कैटेगरी बिकॉज देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट बिहेवियर्स है और उसकी बहुत सारी क्या है एप्लीकेशंस। वी कैन देयरफॉर क्लासिफाई पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस पे हम उसको ये करेंगे। सबसे पहले हम उसको ऑन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस या उसका सोर्स क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, वन इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड अनदर इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे दो टाइप के पॉलीमर्स हमारे पास है, एक है नेचुरल पॉलीमर और दूसरा पॉलीमर है बच्चों सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मतलब हमारे बॉडी के अंदर का डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, दिस ऑल आर द विच पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स। जैसे रबर, रबर आपने वर्ड सुना होगा, रबर एक ट्री से बनता है, उस ट्री का नाम है गुटा परचा ट्री। अब वो ट्री के अंदर जैसे आपने एक ट्री होता है उसके अंदर शहद नहीं बोल सकते, डिंक होता है, डिंक, ठीक है। तो वो वैसे वो जो एक ट्री होता है उसको उसके अंदर से व्हाइट मिल्की टाइप का सब्सटेंस बाहर निकलता है, एंड दैट व्हाइट मिल्की टाइप सब्सटेंस इज कॉल्ड लैटेक्स। तो एक ट्री होता है जिससे क्या निकलता है, लैटेक्स। अब ये जो व्हाइट मिल्की सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, लैटेक्स, ये व्हाइट मिल्की सब्सटेंस क्या करता है, इसके यूज करके नेचुरल रबर बनाया जाता है। तो नेचुरल रबर इज अगेन विच पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, क्योंकि वो कहाँ से बना है, प्लांट से, ठीक है। सेकंडली ये जो सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक तो आप सबको पता है, जैसे पॉलीथीन अभी हमने देखा है, तो ये LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन से ये बनाया जाता है, पॉलीथीन या पॉलीथीन हमने उसको अभी कहा था, तो ये प्लास्टिक की बॉटल्स है, दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स सोर्स एंड देयर अवेबिलिटी। तो सबसे पहले कौन सा पॉलीमर है, नेचुरल। अब नेचुरल में भी कितने सोर्स हो सकते हैं, दो, एक तो हम उसको एनिमल से मिला सकते हैं या उसको प्लांट से। तो नेचुरल पॉलीमर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप, टू टाइप, वन इज अ प्लांट पॉलीमर एंड अनदर इज अ एनिमल पॉलीमर। तो प्लांट पॉलीमर का ही दूसरा नाम होता है वेजिटेबल पॉलीमर, ध्यान रखेंगे, प्लांट पॉलीमर्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, वेजिटेबल पॉलीमर। और दूसरा एक पॉलीमर होता है जिसको हम कहते हैं एनिमल पॉलीमर। तो एनिमल पॉलीमर ये बस एक ही टाइप, मतलब एक ही नाम होता है उसका, एनिमल पॉलीमर। सो ध्यान रखेंगे नेचुरल पॉलीमर, क्योंकि नेचुरल जो जीवित है वो दो ही है, एक है एनिमल और दूसरा है प्लांट्स। तो प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट पॉलीमर, और दूसरा नाम क्या रखा, वेजिटेबल पॉलीमर, और एनिमल से मिल रहा है तो एनिमल पॉलीमर। सो प्लांट पॉलीमर में अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा कौन सा, नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पॉलीमर, हो गया। उसके बाद एनिमल्स, एनिमल्स से तो बहुत सारे पॉलीमर्स हमें मिलते हैं, तो ये वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। अभी सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब क्या ये भी समझाएं, और सेमी सिंथेटिक मतलब क्या ये भी समझाएं, हर एक को डिटेल में हम अभी
पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये नेचुरल पॉलीमर्स क्या है? दे अकर्स नेचुरली एंड आर फाउंड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे पॉलीमर्स जो नेचुरली मिलते हैं और वो कहमे पाए जाते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में, ठीक है। सेकंडली फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स एनिमल्स के बॉडी में क्या होता है? प्रोटीन्स, उसके साथ साथ क्या होता है? स्टार्च, सेलुलोज जो प्लांट्स में पाया जाता है ना। रबर, रबर काय में है? प्लांट्स में, प्लांट से बनता है रबर। दे एड अप, वो उनको अगर हम अपने बॉडी में लेंगे, वी ऑल्सो हैव द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स विच आर कॉल्ड एज बायो पॉलीमर, ठीक है। और ये जो सारे पॉलीमर्स होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, इनको अगर हम फेंक दें तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो मिट्टी में फिर से मिक्स हो जाते हैं। ऐसे पॉलीमर जिनका डिकम्पोजिशन होकर जो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं उनको कहा जाता है कौन से पॉलीमर? बायो पॉलीमर। और जो मिट्टी में मिक्स नहीं होते उनको हम बायो पॉलीमर नहीं कहते। तो ये जनरली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं और इसीलिए उनको बायो पॉलीमर्स भी कहा जाता है। तो ये हो गया बच्चों कौन सा पॉलीमर? नेचुरल पॉलीमर। सिंपल भाषा में कौन से पॉलीमर को नेचुरल पॉलीमर कहेंगे? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले पॉलीमर्स को, उनके अंदर मिलने वाले और उनसे मिलने वाले वो दोनों पॉलीमर्स को हम कौन से पॉलीमर्स कहेंगे? नेचुरल पॉलीमर्स। अब नेचुरल पॉलीमर्स की बात, इसके दो एग्जांपल है। एक है प्लांट पॉलीमर, द पॉलीमर्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट पॉलीमर। सेकंडली एग्जांपल क्या है? कॉटन, कॉटन लिनन, लिनन के कपड़ा आपने सुना होगा। कॉटन एंड लिनन आर ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स एंड फ्लक्स प्लांट। तो ये प्लांट से मिलने वाले पॉलीमर है, सो दे आर द प्लांट पॉलीमर। उसके और भी कुछ एग्जांपल्स है, दैट इज नेचुरल रबर जो अभी हमने देखा था, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर ट्रीज, ठीक है, रबर ट्री से मिलता है। तो दिस इज अबाउट द प्लांट पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर का नेचुरल रबर हमने एग्जांपल तो लिया था, उसके साथ कॉटन एंड लिनन आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रबर। अलोंग विद दिस अभी हम देखेंगे एनिमल पॉलीमर्स। अब एनिमल पॉलीमर में उल जो है डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, ये हमें एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं इसीलिए हम इसको एनिमल पॉलीमर कहेंगे। सेकंडली क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ शिप्स। वूल कहाँ से मिलता है बच्चों? हेयर ऑफ शिप्स, शिप्स जो रहती है उसके हेयर से हमें क्या मिलता है? वूल। तो वूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप्स। सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है आपको? सिल्क। शिप कौन है? एनिमल है, उसके हेयर्स मतलब ही कौन है? वूल। तो वूल इज नथिंग बट ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, सो इट इज अगेन द विच पॉलीमर? एनिमल पॉलीमर्स। सेकंडली सिल्क वॉर्म से आपको क्या मिलता है? सिल्क, सिल्क के कपड़े होते हैं ना, तो वो सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से, सो इट इज आल्सो एनिमल पॉलीमर। तो दो एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है एनिमल पॉलीमर में, एक है सिल्क और दूसरा है उल, ठीक है। उल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शिप एंड द सिल्क वॉर्म से आपको मिलेगा सिल्क। दिस इज अबाउट द एनिमल पॉलीमर। अब सिंथेटिक पॉलीमर में तो बहुत सारे, उसका एक एग्जाम्पल हमने सिर्फ डिटेल में पढ़ा है, दैट इज व्हाट? पॉलीथीन। सो प्लास्टिक विच इज द मोस्ट कॉमन वाइडली यूज सिंथेटिक पॉलीमर। उसके साथ साथ मैंने और कुछ नाम बताया आपको, जैसे नायलॉन 6 है, ये सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सिंथेटिक पॉलीमर, दीज आर मैन मेड पॉलीमर। अब दूसरे होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। हमने सेलुलोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है बच्चों, डू नो द सेलुलोज? सेलुलोज भी बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज से बनता है। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज के जैसा ही होगा। तो ग्लूकोज में क्या होता है? सी एच ओ एच, कितने होते हैं इधर? चार। और एंड में क्या होता है बच्चों? सी एच टू ओ एच। अब इसकी रिएक्शन ये समझो कि चार बाद में कंसिडर करें, इसकी रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो आपको पता है यहाँ से निकलेगा एच और यहाँ से निकलेगा ओ एच, या वहां से ओ एच निकालो, यहाँ से एच निकालो, कुछ भी निकालो, तो क्या होगा? अब ये यहाँ से एच निकला और ये सॉरी एन ओ एंड दिस ग्रुप इज अ नाइट्रेट ग्रुप, बराबर। चार ओ एच थे तो कितने लगेंगे? चार। और यहाँ पे भी एक लगेगा नाइट्रेट ग्रुप, तो कितने लग गए? पांच। तो यू गेट सेलुलोज पेंटानाइट्रेट, या हम इसी को सेलुलोज नाइट्रेट कहेंगे। तो दिस सेलुलोज नाइट्रेट इज ऑब्टेन फ्रॉम सेलुलोज, ठीक है। अब सेलुलोज कैसा था? प्लांट सा। और नाइट्रेट कौन है? नाइट्रिक एसिड कौन है? ये आर्टिफिशियल है, केमिकल है। तो केमिकल और प्लांट दोनों से ये मिला है, सो इट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसी के साथ साथ अगर इसकी रिएक्शन सेलुलोज नाइट्रेट होकर एसिडिक एसिड के साथ अगर करते हैं, आपको रिएक्शन पता है, एसिड रिएक्ट विथ व्हाट? अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर। तो एसिड में का एच जाएगा और इसमें का ओ एच, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? ईस्टर।
ओ सी डबल बॉन्ड को सी एच थ्री, कितने लगेंगे यहाँ पे, चार। यहाँ पे भी ऐसा होगा सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड को सी एच थ्री, तो ये क्या हो गया एसीटेट, तो सेलुलोज एसीटेट। अब एसिटिक एसिड कौन हो गया, सिंथेटिक, और सेलुलोज नेचुरल, तो सेलुलोज एसीटेट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो किसको कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, दे आर डिराइव फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स एंड अंडरगो फर्दर केमिकल मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसीटेट। तो दिस इज अबाउट द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड दिस इज कंप्लीट अबाउट द योर टॉपिक दैट इज द नेचुरल पॉलीमर्स विच आर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, वॉट सॉरी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दे आर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप, फर्स्ट नेचुरल देन सिंथेटिक एंड देन सेमी सिंथेटिक। नेचुरल आर अगेन डिवाइडेड इंटू टू, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस देयर एग्जाम्पल्स एंड देयर डेफिनेशन। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे के लेक्चर में हम आगे का यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, क्लासिफिकेशन, ये लीनियर पॉलीमर किसको कहते हैं वगैरह वगैरह, तो वो हम एक एक एग्जाम्पल लेके ही उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।